एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछने जा रहा हूं। इस संसार में सबसे अधिक सुखी कौन है? अब कोई कहेगा वो व्यक्ति जो सबसे अधिक धनी है, जिसके पास सबसे अधिक धन है, आभूषण है, स्वर्ण है। कोई कहेगा किसी राज्य का राजा, क्योंकि वो शासन कर पाता है, उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता, आदि इत्यादि। इसका उत्तर यदि मैं दूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है, उसके पास संतुष्टि रूपी धन है जो उसको सुखी रखता है। अब ये संतुष्टि ये कैसे आती है जीवन में? ये आती है धैर्य के कारण। धैर्य ये भाव अत्यंत शक्तिशाली, ये धैर्य ही है जो हमारी धरती को धरती माता बनाता है, क्योंकि ये धरती माता धारण करती है, सहती है, धैर्य रखती है और अपना कर्म करती जाती है। ये धैर्य ही था माता सीता में जो रावण का अंत हुआ, ये धैर्य ही था जो नारायण ने कच्छप अवतार धारण किया, एक बड़े से पर्वत को अपने ऊपर धारण किया और समुद्र मंथन संभव करवाया। इसलिए सर्वप्रथम धैर्य को अपने मन में लाइए, यही धैर्य आपको संतुष्टि की ओर ले जाएगा और यही संतुष्टि आपको लोभ मोह लालच से दूर ले जाएगी सुख की ओर, और तब ये मन